हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर न्यू वीडियो ऑफ जुपिटर वैगन्स। तो फ्रेंड्स, जुपिटर वैगन्स जो है लास्ट 2 सालों में वन ऑफ द मोस्ट हाईएस्ट रिटर्न देने वाला शेयर बन चुका है। रिसेंटली इसने जो है बैक टू बैक 2 से 3 अपर सर्किट दे चुका है ये 5% के। क्या रीज़न है, क्या तेज़ी के पीछे के डिटेल्स है, वो सब इस वीडियो में हम जानेंगे। और लॉन्ग टर्म में भी किस तरीके से ये कंपनी आगे बढ़ सकती है उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को आखिरी तक देखिएगा फ्रेंड्स, और ऐसे ही मल्टीबैगर शेयर आपको हमारे चैनल के थ्रू जो है ऑन टाइम जानने को मिलेंगे। उसके लिए प्लीज़ सब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलिए। यहाँ पर आप अगर देखोगे फ्रेंड्स, जुपिटर वैगन्स कंसोलिडेटेड जून 2023 नेट सेल्स ₹753.19 करोड़, अप 154.97 ईयर ऑन ईयर। तो यहाँ पे जुपिटर वैगन्स का जो है Q1 का रिजल्ट आ चुका था, और यहाँ पे आप सेल्स देख सकते हो 154.97% का जो है उछाल यहाँ पे हमें सेल्स में देखने को मिला है। तो नेट सेल्स काफ़ी अच्छे देखने को मिले, और नेट प्रॉफिट भी देखेंगे फ्रेंड्स आप कंपनी का, तो 62.86 करोड़ हुआ है, जो कि अगर प्रीवियस कंपैरिजन करेंगे प्रीवियस क्वार्टर का, प्रीवियस ईयर प्रीवियस क्वार्टर सेम समय का, तो 12.92 करोड़ था, जो कि 386.46% से बढ़ता हुआ 62.86 करोड़ हुआ है, जो काफ़ी बड़ा जो है यहाँ पे फ्रेंड्स हमें जम देखने को मिला है। यहाँ पे अगर आप देखोगे रीसेंट क्वार्टर्स में भी काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे जो है कंपनी के नंबर्स जो है उन्होंने एक्सपोज करे हैं। यहाँ पे अगर आप देखोगे नेट इनकम की बात हम करेंगे, नेट प्रॉफिट एंड लॉस अगर आप देखोगे तो 62.86 करोड़ हमें इस क्वार्टर में, और प्रीवियस क्वार्टर में 39.21। तो बैक टू बैक जो है ये बढ़ता हुआ हमें नज़र आ रहा है, और उसी की वजह से जो है शेयरों के प्राइसेस में भी जो है तेज़ी देखने को मिल रही है। अभी यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स, जिन लोगों को नहीं पता है ये पर्टिकुलरली कंपनी क्या करती है उनको मैं इन्फॉर्म करना चाहूँगा। जुपिटर वैगन लिमिटेड फॉर्मली कमर्शियल इंजीनियरिंग एंड बॉडी बिल्डर कंपनी लिमिटेड इज़ अ मैन्युफैक्चरर ऑफ रेलवे वैगन्स, पैसेंजर कोचेस, वैगन कंपोनेंट्स और कास्टिंग इन इंडिया। तो इन ये जो है कंपनी का बिजनेस है, और फ्रेंड्स आपको पता है कि जो कंपनी के बिजनेसेस रेल से रिलेटेड है वो कितनी अच्छी तेज़ी जो है हमें रिसेंट में देते हुए दिखे। IRFC का भी हम एग्जांपल ले सकते हैं, बट ये शेयर बहुत बड़ा मल्टीबैगर साबित हुआ है फ्रेंड्स। इनके फाइनेंशियल्स की अगर हम बात करेंगे यहाँ पे, तो आप देखिए 53.38 करोड़ का जो है नेट इनकम था इसका 2021 में, वो बढ़ता हुआ हमें नज़र आ रहा है, और रिसेंटली 2023 में 120 करोड़ का जो है नेट इनकम जनरेट हुआ है। 2024 फाइनेंशियल ईयर का 170 करोड़ अभी तक जो है एस्टिमेट्स टिल टू द डेट जो है माना जा रहा है, तो वो भी काफ़ी बढ़िया हो सकता है अगर वहाँ तक कंपनी का जो है नेट इनकम जाता है। तो होल्डिंग्स अगर आप देखोगे कंपनी की, तो हमें होल्डिंग्स काफ़ी अच्छी 72.36% की होल्डिंग जो है यहाँ पे दिख रही है। रिसेंटली जो है म्यूचुअल फंड्स ने जो है होल्डिंग्स बढ़ाई है इस पर्टिकुलर कंपनी में, आप देख सकते हो। और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस की बात करेंगे तो उन्होंने जो होल्डिंग थी उसको घटाई थी, और FIIs ने भी जो है यहाँ पे होल्डिंग उनकी अच्छी इंक्रीज की है अगर हम पिछले क्वार्टर्स की बात करेंगे तो। रिटेल इन्वेस्टर यहाँ पे प्रमोटर्स के बाद सेकेंड लार्जेस्ट शेयर होल्डर्स दिखते हैं फ्रेंड्स हमें यहाँ पे, और काफ़ी अच्छी होल्डिंग भी उनके पास है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे बात करेंगे किस तरीके के रिटर्न जो है जुपिटर वैगन्स ऑलरेडी दे चुका है। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को चार्ट दिखाता हूँ। पिछले 1 मंथ में अगर आप देखोगे 169 का लो था, 26.18% की रिटर्न देखने को मिले। 1 ईयर की अगर बात करेंगे फ्रेंड्स, आप देखिए ₹57 से ये शेयर जो है रिसेंट हाई 234 पे आया है, 296.60 करोड़ की जो है सॉरी 60% की जो है यहाँ पे इन्होंने रिटर्न दी है, यानी ऑलमोस्ट 3x का रिटर्न हम बोल सकते हैं फ्रेंड्स। जिन्होंने भी सिर्फ 1 साल पहले इसमें इन्वेस्टमेंट किया होता ₹57 का 1 लाख का, तो उसका वैल्यू आज जो है 3 लाख के आसपास होता फ्रेंड्स। 5 ईयर्स की बात करते हैं तो फ्रेंड्स देखिए 5 ईयर्स में जो लो इसका देखने को मिला है वो 6.75 का है, और ये जो लो है फ्रेंड्स हमें 2020 के मई मंथ में देखने को मिला था। लेकिन उसके बाद अगर आप देखोगे फ्रेंड्स कितनी ज़्यादा तेज़ी से शेयर में आई है, ऑलमोस्ट अगर हम कैलकुलेट करेंगे इस लो को लेटेस्ट हाई के साथ, तो 34x से भी ज़्यादा के रिटर्न है फ्रेंड्स। यानी 1 लाख का इन्वेस्टमेंट 2020 में आज के डेट में 34 लाख रुपीज़ बन जाता था। तो इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट जो है फ्रेंड्स वो अगर आप करते 1 लाख का, तो यहाँ पे आपको उसके रिटर्न 34 लाख रुपीज़ मिलते थे। तो काफ़ी अच्छी तेज़ी फ्रेंड्स इस शेयर ने दिखाई है। आने वाले समय में भी अगर जिस तरीके का बिजनेस प्लान जो है ये बढ़ाता है,
और बिजनेस प्लान अगर एग्जीक्यूट करता है, यहाँ पे बैक टू बैक फाइनेंशियल रिजल्ट्स अगर हमें अच्छे देखने को मिलते हैं, तो जुपिटर वैगन्स यहाँ से भी जो है मल्टीबैगर बनने का पोटेंशियल रखता है। बट फ्रेंड्स, यहाँ पे एक ऑलरेडी अच्छी खासी रैली आ चुकी है, तो यहाँ पे मैं सजेस्ट करना चाहूँगा थोड़े दिनों तक इस शेयर को मॉनिटर करना चाहिए, और उसके बाद ही जो है इस शेयर में जो है पोजीशन लेने के बारे में सोचना चाहिए। तो यही सारी इंपॉर्टेंट डिटेल्स थी फ्रेंड्स जुपिटर वैगन्स के बारे में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।